हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों इससे पहले का जो मेरा वीडियो था रेडियो पे के बारे में, थोड़ा वीडियो हम इसके बारे में अनबॉक्सिंग करके बताए थे क्या क्या काम कर सकते हैं। आज हम आपको एक डेमो देंगे, जैसे हम इसे हमको रीडरेट करते हैं वैसा ही हम मीटर को भी रीडरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो रीडिंग होती है कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो अपना यूपीए यूएसबी 1.3 जो है, और आज हम स्वदेशी स्क्रिप्ट के साथ आज हम काम करेंगे, इसके अंदर कितना घटाना है या कितना बढ़ाना है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर काम करेंगे और वीडियो आप स्टार्टिंग से आखिर तक देखें तो आपको समझ में आएगा क्या हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा अपना एक हार्डवेयर आता है मीटर बैक करने के लिए। अभी हम इसको अपना डेटा केबल के साथ कनेक्ट करेंगे। डेटा केबल के साथ हमने कनेक्ट कर लिया है और हम अपना जो सॉफ्टवेयर रहता है यूपीए यूएसबी, ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर स्वदेशी की स्क्रिप्ट सारी कुछ इंस्टॉल है, तो इसमें काम कैसे होता है आपको छोटा सा डेमो देंगे। ठीक है दोस्तों, और किसी भी भाई को स्क्रिप्ट के साथ चाहिए यूपीए तो भी मिल जाएगा, बिना स्क्रिप्ट के साथ चाहिए सिंपल आपको यहाँ यूपीएच रेट चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपनी यूपीए के अंदर जो स्वदेशी की जो स्क्रिप्ट है इसका काम क्या है और इसका सिस्टम क्या, आपको मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। अपना यूपीए जो है ओपन हो चुका है, अभी हम इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी इधर दिखाओ, अभी आप देख सकते हैं इधर आपका स्वदेशी कार, होल्ड करो जी, परफेक्ट दिखाना, फोकस कर दो। ये अपना स्वदेशी कार में हम चले जाएंगे, देख सकते हैं स्वदेशी कार में चले गए। अभी हम सेलेक्ट कर लेंगे सुजुकी की, क्योंकि आज हम ये वाला मीटर को बैक करना है। ठीक है, ये अपना सुजुकी स्विफ्ट का है। ठीक है, अभी इधर देखो, अभी हम सुजुकी में चले जाएंगे। यूँ दिखो साहिल, बीच में सेंटर फोकस कर को, अगले हटो ये। हाँ, अभी हम सुजुकी में जाएंगे। सुजुकी में जाने के बाद अपना जो मीटर है ये रहता है अपना स्विफ्ट का। ठीक है, अभी हम चले जाएंगे स्विफ्ट में। अपनी इसकी जो ईप्रोम रहती है वो 93 से 66 शायद रहती है, तो ये खोलने के बाद हमें मालूम पड़ेगा। और देखो ये अपना इंटरफेस ऐसा आ चुका है और लाइसेंस एक्टिवेटेड। ठीक है, लाइसेंस एक्टिवेटेड ये जो मेरा है ये लाइसेंस एक्टिवेटेड है, तो अभी हम इसका ऑन ऑफ करने का कनेक्शन देखेंगे और इसके अंदर कितना मीटर चला है वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसको ऑन ऑफ का कनेक्शन देख लेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर ऑन ऑफ का कनेक्शन आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर पावर सप्लाई दूंगा, इसके अंदर कितना अपना मीटर चला है वो हम देखेंगे। ये अपना नेगेटिव है, अपना ये पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव है। ठीक है, अभी हम नेगेटिव इधर के नीचे की पिन में लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा लग गया और दूसरा पिन है अपना ऊपर से दूसरी लाइन में दूसरी पिन। ठीक है, हाँ ये अपना लग गया है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर कितना मीटर चला है, देख सकते हैं 8001 अपना मीटर चला है। ठीक है, अभी हम 8001 हम इधर लिख लेंगे। आठ हजार एक चला है अपना, हम इधर लिख लेंगे 8001, 8001। ठीक है, हमने इधर लिख लिया है, अभी इधर हम रखेंगे साइड में। अभी हम इसको डिसअसेंबल करेंगे। ठीक है, अभी हम इसका कनेक्शन सारा कुछ हम हटा दिया है और बुक भी हम साइड में रखेंगे और इसको खोलने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा है ये निकल चुका है। ठीक है, और हमारा जो ये नाब है हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ऐसी एक चुमटी ले लो, चुमटी लेके आप सिंपल ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो तीन, हमारा ये निकल चुका है और इसको भी हम निकालेंगे। सही तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, वीडियो स्टार्टिंग से आखिर तक आप जरूर देखें वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। हमने निकाल दिया है और ये कपलर, ये हमने ऊपर का निकाल दिया है और इसका जो रहता है डिस्प्ले का इसको भी हम सीधा करेंगे।
इसको हम सीधा करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर इप्रोम आती है इधर रहती है, अंदर कैसे रहती है। कभी भी मीटर का काम करेंगे तो आराम से काम करें भाई, ऐसा नहीं खोल दिए कर दिए। तो एक्सपर्ट बंदे जो हैं वो फास्ट कर लेते हैं, तो हम आपके लिए ये सब बनाते हैं वीडियो। देख सकते हैं अपना ये निकल चुका है, और इसके अंदर जो इप्रोम लगी है वो शायद लगी है, ठीक है 93C66 लगी है। ये वाली इसकी इप्रोम है, ये वाली इप्रोम है। जब भी आप चुमटी से काम करोगे तो डेटा इसका जो रहता है वो आधा आधा आता है, ठीक है। तो आप इसको निकालना पड़ता है, ये वाली जो इप्रोम ऐसी है इसको निकालना पड़ता है, और निकालने के टाइम आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कौन से साइड से आप निकाल रहे हो, क्या पोजीशन से निकाल रहे हो, वही पोजीशन से आपको रखना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तब आप प्रॉपर काम कर पाएंगे, और पूरा काम करने के बाद आपने आईसी को बदली कर दिया, ऊपर का नीचे बढ़ा दिया, नीचे का ऊपर बढ़ा दिया, तब भी नहीं चलेगा। आप काम करने से पहले एक फ़ोटो खींच लें किस पोजीशन पर यह लगा है, ठीक है। ये आईसी अभी मैं निकालूंगा, थोड़ा सा हम फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आईसी थोड़ा अच्छे तरीके से निकल जाए। ये हमने इप्रोम ऐसी निकाल लिया है, निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है एक नंबर कौन सी है, दो नंबर कौन सी है। तो इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए एक नंबर कौन सी साइड आएगी, दो नंबर कौन सी साइड आएगी, ठीक है। अभी मैं इस जगह पे आप इसको सोल्डर करूँगा, स्टॉप करो, सोल्डर कर दोगे टाइम बचाने दे। ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सी सीरीज की है, ठीक है। आपको 95 सीरीज की है या 93 सीरीज की है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये 93 सीरीज की है तो इधर लगेगी, ठीक है। 93 सीरीज इधर लिखा है, 93C XX यानी 93 सीरीज की इधर लगेगी। आप इधर ही इसको सोल्डर करना है, इधर भी नहीं करेंगे, इधर भी नहीं करेंगे, जो इसकी सही पोजीशन है इसको सोल्डर करेंगे। या तो इसकी चुमटी भी आती है, चुमटी भी लगा के आप काम कर सकते हैं। अभी मैं प्लेट के अंदर आपको काम करके बताऊंगा। हाँ दोस्तों, अभी हमने इप्रोम को सही तरीके से सोल्डर कर लिया है, देख सकते हैं सही तरीके से हमने सोल्डर कर लिया है। और अभी हम ये रीड करने की कोशिश करेंगे, और ये सोल्डर हमने जो सोल्डर किया है प्लेट हम इसमें लगवा देंगे, ठीक है। हमने लगा दिया, और इसके बाद हमारी जो स्वदेशी की जो स्क्रिप्ट रहती है हम इसको ओपन करेंगे, इधर जाएंगे कार में, स्वदेशी कार में जाएंगे, सुजुकी में जाएंगे, कौन सा बाइक है ये, सॉरी बाइक आ गया ये, हाँ स्वदेशी कार में चले जाएंगे, सुजुकी में चले जाएंगे, और अपनी जो है शिफ्ट 93C66, ठीक है। अभी हम इसमें क्लिक करेंगे और अपना जो डेटा है वो रीड करेंगे। पहले हम डेटा रीड करेंगे, देख सकते हैं अपना जो डेटा है वो रीड हो रहा है, अपना जो हैक्स है वो आ चुकी है, आप देख सकते हैं सारा कुछ आ चुका है। और स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो रीड किलोमीटर इसके अंदर कितना किलोमीटर है वो ऑटोमेटिक देखेगा कितना इसके अंदर है, देख सकते हैं आपका 50-100 के अंदर ऊपर नीचे दिखाएगा, जितना हमने इसके अंदर लिखा था 8001, ठीक है। ये कम हो गया, यानी लगभग आपका 100 से 150 किलोमीटर के ऊपर नीचे आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे राइट किलोमीटर, अभी हम इसके अंदर लिखेंगे कितना अपने को चाहिए। तो अभी मुझे इसमें बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अभी कस्टमर का ये अभी मीटर में दूसरा बदली कर रहा हूँ, तो इसके अंदर चली है 1.5 लाख चली है, ठीक है, 1.5 लाख चली है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख डालूंगा, 1515, 1500, 1500,
15,000, 1.5 लाख, ठीक है, बराबर है ना, 1.5 लाख बराबर है कि जाए, हाँ 1.5 लाख, यानी 15 लाख, 1,50,000, बिल्कुल सही है, हमने ओके करेंगे प्रोग्राम, यस, अपना जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर डेटा जो है वो ऑटोमेटिक फिलिंग हो रहा है, फिलिंग हो रहा है, ठीक है, सक्सेस, अपना जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल राइड हो चुका है। और एक बार हम देख लेंगे, एक बार हम इसको एक बार रीड करके एक बार देख लेंगे क्या अपना जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल राइड हो चुका है क्या, इधर से भी एक बार कर लेंगे रीडिंग। हाँ, यानी 100 देशों के ऊपर नीचे आ सकता है, इधर लिखा ही दे रहा है ऊपर नीचे आ सकता है, अभी हम इसको करेंगे बंद, ठीक है। अभी और एक चीज आपको मैं बताता हूँ, देखो ये अपना प्रोग्राम हो चुका है, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ इस स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो इधर देखो, देखो इधर से ही मैं आना आपका कनेक्शन निकाला डैशबोर्ड, यानी जो अपना क्लस्टर होता है किस तस्वीर में आता है ये भी इसके अंदर दिया है, और आपके अंदर इसका आना आपका कनेक्शन भी दिया है, और ईप्रॉम एमसीयू, सॉरी, अभी इसके अंदर बहुत सारा डेटा आने वाला है, यानी जो अपने को डैशबोर्ड कैसा होता है ये भी इसकी तस्वीर आ चुकी है, और इसके अंदर आना आपका कनेक्शन भी इसके अंदर ही आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं इधर भी, इधर और इधर आप देख के काम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अभी ये बंद करता हूँ, अभी मैं ये जो इप्रोम ऐसी है वो निकालूंगा, निकाल के अपने मीटर के अंदर डालूंगा, डाल के आपको बताऊंगा कितना किलोमीटर मेरा बैक हुआ है या नहीं हुआ है बोल के। स्टॉप करूँ? जिस कंडीशन से, जिस जगह से आप निकाल रहे हो उसी जगह पे लगाओ, और उसका प्रॉपर लोकेशन आप फोटो लेके रख लो, या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लो। अभी हर रोज बंदे का काम है तो उनको अच्छा तरीके से आइडिया रह जाएगा। स्टॉप करोगे? हाँ, हमने ऐसी प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, ठीक है, अभी हम इसको साफ कर लेंगे, हमने प्रॉपर तरीके से साफ भी कर लिया है, अभी हम इसके अंदर लगाएंगे मीटर के अंदर क्या आपने जो रीडिंग है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। तो अपनी स्वदेशी जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ करने का मज़ा यही है, आप ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट को कर सकते हैं, जो ब्लैक यूपी में जो आप काम कर रहे हैं वही काम इसके अंदर लगभग हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से खोलेंगे तो इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमें इतना प्रॉपर तरीके से इसको खोला नहीं था, ऐसे ही अर्जेंट अर्जेंट में खोल दिया था। लग चुका है, अभी हम पावर सप्लाई देंगे, ये जो मेरा नीचे का पहला नंबर है वो ग्राउंड है यानी नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, और जो दूसरा जो पॉइंट है ऊपर से दूसरा जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव, ठीक है। अभी हम देखेंगे अपने जो रीडिंग है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, देख सकते हैं मेरा 80,000, 8,000 समथिंग था, अभी हमने इसको 1.5 लाख बना दिया, यानी ऊपर नीचे 100, 150, 200 के ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने रेडियो पे लेके यहाँ दिखाओ, कहाँ पकड़ते हो वहाँ दिखाना, और अपना रेडियो पे आप लेके ये सब काम आप इजीली कर सकते हैं, और आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ईप्रोम निकालना और बिठाना, ठीक है, और आप चिमटी से भी काम कर सकते हैं, चिमटी से काम करेंगे तो वो प्रॉपर सही तरीका नहीं है, ऐसे आप निकाल के काम करेंगे तब वो सही रीडिंग आएगा, डेटा करप्ट होने की चांस नहीं रहेगी,
ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भाई को रेड यूपीए चाहिए तो भी मिल जाएगा, और स्क्रिप्ट के साथ चाहिए तो भी मिलेगा, बिना स्क्रिप्ट के साथ चाहिए तो भी मिलेगा।